मृदंग और मंजीरों के नाद से मंत्रमुग्ध वातावरण, पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते श्रद्धालुओं की भीड़। ये दिव्य स्थल है दक्षिण काशी के नाम से जाना जाने वाला पंढरपुर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। मान्यता है कि पंढरपुर में ही भगवान विष्णु ने पांडुरंग रूप में भक्त पुंडलिक को दर्शन दिए थे और उनके आग्रह पर एक ईंट पर 28 युगों तक खड़े रहे। पंढरपुर में हर साल 4 बड़े मेले लगते हैं। इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जिन्हें मराठी में वारकरी कहा जाता है। आषाढ़ मास में होने वाली वारकरियों की यात्रा पालकी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पालकी यात्रा में महाराष्ट्र सहित देश दुनिया से भगवान विठोबा के भक्त गाते झूमते पताका लिए पैदल पंढरपुर आते हैं। सदियों से अविरल जारी पालकी यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक दिव्य और अधिक भव्य बनाने और तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक अनुभूति और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत श्री तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है। नेशनल हाईवे के रूप में अपग्रेड होने के बाद ये दोनों मार्ग अब 4-लेन हाईवे और साथ ही दोनों तरफ पालकी मार्ग के लिए समर्पित एक एक लेन वाले होंगे। इससे वारकरियों के लिए पालकी यात्रा सुविधाजनक होगी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसे करीब 6700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये राजमार्ग पुणे के पास देवघाट से मोहोल तक विस्तृत होगा। इस पालकी मार्ग में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए सासवड़, नीरा, लोड़ंग, फलटन, नातेपुते, मालशीरस और पंढरपुर में बाईपास भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 12 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे। श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग पुणे के पास देहू से शुरू होती है। देहू से पाटस तक का मार्ग पहले से ही 4 लेन में मौजूद है, अतः श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को पाटस से तोंडले तक 130 किलोमीटर लंबाई में 4400 करोड़ रुपयों की लागत से विकसित किया जाएगा। इस पालकी मार्ग में बारामती, बावड़ा, अकलुच, श्रीपुर, बोरगांव में बाईपास भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 11 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे। इन दोनों पालकी मार्गों का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के उपस्थिति में आज होने जा रहा है। इन परियोजनाओं से पुणे से पंढरपुर तक की यात्रा अधिक सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। रास्तों में जगह जगह लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। आधुनिक राजमार्गों के कारण स्थानीय उपज, उद्यम, कारोबार के लिए नए अवसर बनेंगे। निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होगा। आज का दिन पंढरपुर और महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पंढरपुर को जोड़ने वाली 1200 करोड़ रुपयों की लागत और 223 किलोमीटर लंबाई की 5 अन्य सड़क परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। पहली परियोजना है मसवड़ पिलव पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री गोंदवले जी महाराज की पालकी जाती है। सातारा जिले को पंढरपुर से जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरी परियोजना है कुर्डुवाड़ी पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री सावता माली जी महाराज की पालकी यात्रा जाती है। ये मार्ग मराठवाड़ा तथा पश्चिम महाराष्ट्र के भक्तों तथा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। तीसरी परियोजना है पंढरपुर सांगोला। ये मार्ग महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सांगली तथा कोल्हापुर जिले से आने वाली पालकियां इस मार्ग से पंढरपुर आती हैं। चौथी परियोजना है टिम्भुर्णी पंढरपुर। ये मार्ग संत श्री एकनाथ जी महाराज पालकी यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवी परियोजना है पंढरपुर मंगलवेड़ा उमदी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी भी मंगलवेड़ा से पंढरपुर तक गुजरती है। ये सभी 5 परियोजनाएं पुणे, सोलापुर और सातारा जिलों के तीर्थालुओं सहित किसानों, कारोबारियों, उद्यमियों और युवाओं के लिए विशेष लाभप्रद होंगी
और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सदियों से चली आ रही पालकी यात्रा को और भी सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाने का जो महान संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज तथा संत श्री तुकाराम महाराज और श्री विठोबा भगवान के आशीर्वाद से अति शीघ्र पूरा होगा। और भगवान विठोबा के पंढरपुर में भक्त जन इन पालकी मार्गों से नाचते गाते झूमते और अधिक संख्या में आएंगे। जय हरि विठ्ठल।